नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हाजिर हूँ मैं आज अयोध्या कांड का पाठ, रामचरितमानस का अयोध्या कांड पाठ लेकर के, जिसमें कैकेयी रानी कैकेयी ने राजा से दोनों वर अपने मांग लिए हैं, और उसके बाद राजा का हाल आप सुन सकते हैं। राजा का तो पिछले पार्ट में आपने सुना था, कि राजा कह रहे हैं कि यह बड़ी ही भयानक और कठोर है, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन ले लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे प्रिय लगने वाली वाणी बोले, हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर कह सकता हूँ। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूँगा, दोनों भाई सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा मुहूर्त शोभ करवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूँगा। राम को राज्य का कोई लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, यानी कि राम को राज तिलक देने जा रहा था। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। आप सब लोग जानते ही हैं कि मैं ये पाठ एक मंदिर के लिए कर रही हूँ, तो आप सब लोग मेरा साथ दीजिए इसमें, आप सब लोग सहयोग करिए, आप सब लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए। राम सबत सत कहु सुभाउ, राम मात कछु कहु ना काउ, मैं सबु की न तो ही बिनु पूछे, ते ही ते परे ऊ मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली हो गया। ऋष्वरी हरु अब मंगल साजु, कछु दिन गए भरत जुव राजु, एक ही बात मोही दुख लागा, बर दूसर असमंजस भागा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साथ सच, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहु हृदय जरत ते ही आचा, रिस परिहास के साचे हु साचा, कहु तजी रोशु राम अपराधु, सबु को कही राम सुटी साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है, यह दिल लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता, सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े साधु हैं। तो राम के वनवास के लिए जो कैकेयी ने वरदान मांगा है, वो आप पिछले पार्ट में आप सुन सकते हैं, आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा भी होगा, तो वो भी पढ़िए, आप उसके साथ में पाठ भी सुनिए, ताकि वो पूरा फिर कंप्लीट हो जाता है। मैं कुछ कुछ चीज़ें डाल देती हूँ, स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन डाल देती हूँ, या बीच बीच में से कुछ चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया करती हूँ। तू हु सराहिसी करसी सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु, जासु स्वभाउ अरिहि अनुकूला, सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह करती थी, अब यह सुनकर मुझे संदेह हो रहा है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो ना थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा।
टिया प्रिया हास रिस परिहरी ही मागु विचारु विवेक जेही दहो अवनयन भरी भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक विचार कर वर मांग जिससे अब मैं तेरे नेत्र भरकर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। जिए मीन वरु बारी बिहीना मणि बिनु फनिकु जिए दुख दीना कहु स्वभाव न छलु मन माही जीवनु मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से कह सकता हूँ कि मन में छल रख कर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समझो देख जिया प्रिया प्रवीना जीवनु रामद्रस आधीना सुनी मृदु वचन कुमति अति जराई मनहु अनल आहुति घृत पराई। हे चतुर्प्रिय जी में समझ देख मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर द्रुपदी कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। कह ही करहूँ किन कोटि उपाय इहां न लगी ही रावरी माया देहू के लेहू अजहू करी नाही मोही न बहुत प्रबंच सोहाही। कैकेयी कहती हैं आप करोड़ों उपाय क्यों ना कर लें, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दे दीजिए, नहीं तो ना ही करके अभ्यस लीजिए, मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते। राम साधु तुम्हें साधु सयाने राम मात भली सब पहचाने जय कौशल्या मोर भल ताका तस भलु उन्हीं देव करी साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रातु मुनिवेश धरी जोना रामु बन जाही मोर मरनु राउर अजस निब समझिय मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धर कर धारण कर यदि राम को वन नहीं जाते तो हे राजन मन में समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कहीं कुटिल भई उठी ठाठी मनहु रोज तरंगिनी बाड़ी पाप पंगार प्रकट भई सोई भई क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है, ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। बहुत अपशब्द हैं कैकेयी के जो अभी आप आगे भी सुनेंगे और भी हैं आगे। तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में बहुत ही बढ़िया वर्णन किया है इसका। मैं जिस मंदिर का वर्णन कर रही थी आप लोगों से, उसकी मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखिए, अवश्य देखिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा वीडियो भी कैसा लगा और आपको मंदिर का वीडियो भी कैसा लगा, दोनों ही बताएँ। तो आप लोगों ने वो मंदिर की वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं और आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें चैनल को। और मैं पाठ कैसे पढ़ रही हूँ लाइक, उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसे अवश्य बताएं। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए एक थैंक्स, और जो लोग सब्सक्राइब जो लोग पाठ देख रहे हैं और पार्ट देख करके जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कीजिए।
दो वर कूल कठिन हट धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा, ठाहत भूप रूपी तरु मूला, चली विपत्ति बारिदी अनुकूला। दोनों वरदान नदी के दो किनारे हैं, कैकई का कठिन हट ही उसकी धारा है और कुबरी के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति की ओर, विपत्ति रूपी समुद्र की ओर ले जाती है। लखी नरेश बात भोरी सांची, तिये मिस मीचू शीस पर नाची, गही पद विनय कीना बैठारी, जनी दिनकर कुल होश उठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है, स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने केकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागो मात अबही देहु तो ही, राम बिरह जनी मारसी मोही, राखु राम कह जेही तेही भांति, नाहीं त जरी ही जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध निपु, परेउ धरणी धुनि माथ, कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आंतरवाणी से हा राम हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करीनी कल्प पत्रु पनु बनहु निपाता, कंठु सूक मुख आव न बानी, जनु पाठीनु दीनु बिन पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर कह कई, मनहु घाए मनहु माहुर देई, जो अंतहु अस कर्तबु रहेहु, माग माग तुम्हें केही बल कयहु। कैकई फिर कठोर और कड़वे वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही होना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हंसव ठटाई भुआलव गाला, दानी कहाऊ अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रौताई। हे राजा, ठाक माकर हंसना और गाल भुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में शेम कुशल भी हो सकते हैं। लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी ना लगे। छाड़ू वचनों की धीरजू धरऊ, जनी अबला जिमी करुणा करऊ, तनु तिये तने धामु धनी धरनी, सत्य संग कहू त्रिन सब बरनी। या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, यों असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यवती के लिए तो शरीर स्त्री पुत्र घर धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम वचन सुनी राव कह कहू कछु दोष न तोर, लागेऊ तो ही पिसाच जिमी कालू कहावत मोर। कैकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल मुझे मानव पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है।
चहत न भरत ही भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बस जिये तोरे, शोक सब मोर पाप परिणामु, भयउ खुटाहर जेहि विधि बामु। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आबसी, यह सब मेरे पापों का परिणाम है जिससे कुसमय में विधाता विपरीत हो गया। सुबस बसी ही भिरी अबध सुहाई, सबगुण धाम राम प्रभुताई, करी हही भाई सकल सेवकाई, होई ही तेहुपुर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी, सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बढ़ाई होगी। तो आज का पाठ मैं यहीं पूर्ण करती हूँ, और कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय में, एक नए पाठ में, अयोध्या कांड के एक नए पाठ में। तब तक आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पाठ को लाइक और शेयर कीजिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी कहिए कि वो लोग भी पाठ सुने और शेयर करें उसको। और सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन है, उसे प्रेस करना ना भूलें, जो कि नोटिफिकेशन के लिए होता है, और इसे जब भी मैं ये पाठ डालूँगी आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उम्मीद, एक नई उमंग के साथ। नमस्कार।